नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवार। मैं हूं मनोज जायसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे सरगुजा से बस्तर को वाया बिलासपुर होते हुए रेल सेवा से जोड़ने की। ये एक मांग है जो सोशल मीडिया में शुरू हुई है, जिससे आम आदमी को लाभ ही लाभ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। सरगुजा संभाग से बस्तर संभाग के अंतागढ़ तक जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मांग बिलासपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमर बिलासपुर से निकल कर इसे प्लेटफॉर्म पर लाने की उम्मीद की किरण अब वायरल हो रही है। इस मुहिम को बिलासपुर के गणमान्य व्यक्तियों ने समर्थन भी दिया है और जल्द ही बिलासपुर रेलवे जोन सलाहकार समिति की बैठक में इस मांग को भी रखे जाने की बात सुनाई दे रही है। सरगुजा से बस्तर संभाग के अंतागढ़ तक यदि जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू होती है तो करीब 615 किलोमीटर कि छत्तीसगढ़ की यह पहली रेल सेवा होगी जो प्रदेश के 14 जिलों को रेल सेवा से जोड़ने का काम करेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के एक और जिला अनूपपुर भी इस रेल सेवा के साथ जुड़ जाएगा। यदि यह रेल सेवा शुरू होती है तो सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सोनहत, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, बड़ौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर जिले आपस में दैनिक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर छत्तीसगढ़ से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक को होगा और आवागमन बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्थानीय व्यापार तो बढ़ेगा, साथ में इन दोनों क्षेत्रों में जो पर्यटन है उसको भी लाभ मिलेगा। बात की जाए तो इन क्षेत्रों की रेल सेवा की, तो बस्तर संभाग के अंतागढ़ से दुर्ग तक सिर्फ एक ट्रेन शुरू हुई है, जबकि अंबिकापुर में 6 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें बिलासपुर से दुर्ग के लिए सिर्फ एक सीधी रेल सेवा चलती है। बाकी जितने भी यहाँ ट्रेन चलती है सभी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, कटनी, जबलपुर और दिल्ली की ओर एक ट्रेन जाती है, जो हाल फिलहाल में शुरू हुई है। अभी सरगुजा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से दुर्ग और जबलपुर तक सीधी ट्रेन सेवा है, जिसमें दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1841 और 1842 है, जिसमें हमेशा भीड़ रहती है। आम दिनों में भी सामान्य रिजर्वेशन नहीं हो पाता, जनरल डब्बे भी अक्सर भरे रहते हैं। यह दुर्ग से रात 8:45 पर छूटती है, जो बिलासपुर के उस्तापुर स्टेशन में रात 23:40 के आसपास पहुंचती है। यहां से करीब 7 घंटे का सफ़र करने के बाद यह सुबह 7 बजे अंबिकापुर पहुँचती है, जो अक्सर लेट हो जाया करती है। यही ट्रेन 1842 बनकर अंबिकापुर से दुर्ग के लिए रात 10:20 पर छूटती है और उस्तापुर सुबह 6:25 और रायपुर से दुर्ग होकर दुर्ग सुबह 10:55 पर पहुंचती है, जबकि रोजाना सुबह अंबिकापुर जबलपुर मदनमहल एक्सप्रेस जो गाड़ी संख्या 11266 अंबिकापुर से सुबह 6:15 पर छूटती है और अनूपपुर 9:25 पर पहुँचती है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले को जबलपुर से जोड़ने का काम करती है। इस ट्रेन में भी अनूपपुर से यात्रा करने वाले कटनी जबलपुर के यात्री अधिक होते हैं। यह एक्सप्रेस वापसी मदन महल बनकर जबलपुर से दोपहर दिन में 13:10 पर छूटती है और कटनी अनूपपुर बैकुंठपुर होते हुए अंबिकापुर रात 23 बजे पहुँचती है। हाल ही में अंबिकापुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक साप्ताहिक अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस शुरू की गई है, जो हर गुरुवार को सुबह 7:15 छूटती है और इसका चौथा स्टॉपेज अनूपपुर होता है। इसके बाद यह कटनी मार्ग से निजामुद्दीन की ओर चली जाती है, लेकिन यह ट्रेन आम लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि इसमें स्लीपर कोच नहीं है, जनरल के डब्बे नहीं हैं, यह पूरी तरह से राजधानी ट्रेन के जैसी है, जिसमें सिर्फ एसी कोच हैं। इसी वजह से यह आम और मध्यम वर्ग से दूर हो गई है। इस रेल सेवा का फायदा आम लोग नहीं ले पा रहे। यह ट्रेन पूरी तरह मध्य प्रदेश के यात्रियों को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इसमें भी अंबिकापुर से अनूपपुर के यात्री कम रहते हैं। इसके अलावा सरगुजा जिले से ही अंबिकापुर एक्सप्रेस के ही कोच का उपयोग करते हुए अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस सुबह 9 बजे अंबिकापुर से शहडोल के लिए निकलती है, जो रात 9 बजे के आसपास अंबिकापुर वापस पहुंचती है। यह ट्रेन भी अक्सर लेट चलती है, जिसकी वजह से सरगुजा संभाग के अधिकांश लोगों को दिन के समय में रायपुर की ओर कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिल पाती है, यही विडंबना है। ठीक ऐसा ही गाड़ी संख्या 07756 के साथ है, जो मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर मेमू के नाम से जानी जाती है। अंबिकापुर यह दिन 11:50 पहुँचती है और अंबिकापुर से मेमू बनकर
10:30 बजे छूटती है और 16:50 बजे अनूपपुर पहुँचती है, जो शेड्यूल की ओर जाती है। लेकिन यह ट्रेन भी पहुँचने में अक्सर लेट हो जाया करती, इसका टाइम टेबल भी सही नहीं है, इसलिए लोगों को कनेक्टिंग ट्रेन बिलासपुर की ओर पकड़ने के लिए भटकना पड़ता है। मध्य प्रदेश के शेड्यूल से ही एक और मेमू संख्या 08749 शेड्यूल अंबिकापुर शुरू होती है, जो अनूपपुर से 13:25 पर छूटती है और अंबिकापुर 17:25 पर आती है। यह ट्रेन भी एवरेज 1 घंटे लेट चलती है। यह ट्रेन 08758 बनकर 18 बजे रवाना होती है और अनूपपुर रात 22 बजे पहुंचती है। यदा कदा ही यह ट्रेन समय पर पहुंच पाती है। इस ट्रेन के टाइम टेबल की अनियमितता होने की वजह से इस ट्रेन की अहमियत नहीं के बराबर है। रेलवे के लिए तो यह मेमू शुद्ध घाटे का सौदा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस को छोड़कर कोई दूसरी सीधी ट्रेन न्यायधानी बिलासपुर या रायपुर इस्पात सिटी भिलाई दुर्ग तक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। कोरोना काल के पहले एक ट्रेन गोंदिया अंबिकापुर गोंदिया प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी, जो जल्द ही उसे बेपटरी कर दिया गया क्योंकि इसे यात्री नहीं मिले या प्रचार प्रसार नहीं मिला या फिर यहाँ के लोगों के लिए यह एक छलावा था। रेल के वाणिज्यिक रेल मैनेजमेंट सिस्टम के अधिकारियों ने सरगुजा संभाग और बिलासपुर के आम जनता के साथ बड़ा ही खिलवाड़ किया है। ट्रेनों के मैनेजमेंट और उपयोगिता के नाम पर कोई चीज़ नहीं, यहाँ आग बंद कर ट्रेनें शुरू कर दी गई है, फिर चाहे बिलासपुर जंक्शन हो या फिर अनूपपुर जंक्शन। यहाँ की कनेक्टिंग ट्रेनों को ध्यान में रखकर यहाँ से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का टाइम टेबल नहीं बनाया गया। यह इसकी वजह से जो यहाँ से जो ट्रेनें शुरू होती है वह समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ के लोगों को पूरा लाभ सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र का व्यापार अनूपपुर और कटनी के मार्केट पर अधिक निर्भर है। अधिकांश व्यापारी सुबह जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस से कटनी की ओर जाते हैं और शाम को उसी ट्रेन में वापस आ जाते हैं, जबकि रायपुर से जाने और आने में 1 दिन और 2 रात का समय लगता है। सरगुजा में रेल की सुविधाएं होते हुए भी सरगुजा और बस्तर संभाग की लाइफलाइन आज भी प्राइवेट बस ही बनी हुई है। अंबिकापुर से जगदलपुर की दूरी 640 किलोमीटर के आसपास होती है। बस में न्यूनतम किराया 1100 से 900 रुपये के बीच स्लीपर और 2x2 का होता है। इस सफ़र में 14 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। अगर बस लेट हो जाए तो फिर सफ़र और भी अधिक दुखदायी हो जाता है। ठीक ऐसा ही कांकेर जिले के अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से दुर्ग के लिए एक मेमो शुरू हुई है। दुर्ग अंतागढ़ दुर्ग स्पेशल मेमो गाड़ी संख्या 08818 जो दुर्ग से 10:20 पर छूटती है और अंतागढ़ 13:25 पर आती है। फिर यही ट्रेन वापस दुर्ग 16:40 पर पहुंचती है, जो कि यात्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो नाकाफ़ी है। अंतागढ़ वालों को भी उतनी अधिक समस्या जितनी राजधानी रायपुर या बिलासपुर से आने वाले सरगुजा से के लोगों को है। समस्याएं दोनों जगह पर समान हैं, पटरियां बिछी हुई है लेकिन रेल नहीं है। यदि हमारे बिलासपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकली मांग की चिंगाई रंग लाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होगा। इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले आम लोगों को फायदा होगा, उनका बजट यात्रा में कम खर्च होगा। मांग बहुत सामान्य और सरल है। बिलासपुर रेलवे जोन चाहे तो यहाँ पर मैनेजमेंट आसानी से बना सकता है, एक नई ट्रेन शुरू कर सकता है। इस मुहिम में अब इन 14 जिलों के कई शिक्षक संघ, कुछ कर्मचारी संगठन भी शामिल हो चुके हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री के नाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन जोन प्रबंधक के नाम ज्ञापन देने की तैयारी कर चुके हैं। इनकी मांग लोकहित से जुड़ी हुई है। अंबिकापुर से अंतागढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। उत्तर छत्तीसगढ़ से दक्षिण छत्तीसगढ़ को सीधी रेल सेवा को जोड़ने की शुरुआत की जानी चाहिए। चलते चलते चाहे वह सरगुजा संभाग हो या बस्तर संभाग, खनिज संसाधनों के दोहन और कमाई के मामले में रेलवे कमाऊ पूत रहा है, लेकिन यहाँ आज भी हालात और तस्वीरें यह नज़र आती है कि यहाँ माल गाड़ियों को प्रमुखता दी जाती है और यात्री पैसेंजर गाड़ियों को वरीयता कम होती जा रही है। नई ट्रेनें तो दूर की बात है, पुरानी ट्रेन सुविधाओं के विस्तार और सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को तरसना पड़ता है। लेकिन अब बहुत हो चुका बात सरगुजा और बस्तर को सीधी एक जनशताब्दी रेल सेवा से जोड़ने की मांग शुरू हो चुकी है।
अब यह मांग दूर तक तो जाएगी ही। बस आज इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।